बेटा चाहे मुंबई में रहे या बनारस में, आखिर वो आपका बेटा है। और दूर रहने से संबंध थोड़ी खत्म हो जाते हैं। देखिए गौरी और शिव मुंबई के माहौल में सुखी रहेंगे, यहां का माहौल उनके लिए ठीक नहीं। इतना बुरा भी नहीं है यहां, मतलब बस थोड़ा सा फर्क है, मुंबई से अलग है। आप इस तरह यहां से गौरी को ले जाएंगे तो वो कभी भी हमारे परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। देखिए हम क्या कहते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत फर्क है यहां और वहां में, उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे, मिटाने की कोशिश करेंगे। आप हम पर भरोसा तो कीजिए। माफ कीजिएगा, एक बार मैंने भरोसा करके देख लिया था। यहां जो कुछ भी गौरी के साथ हुआ है उसे देखकर मेरा भरोसा टूट गया है। अब मैं इस बात पर और बहस नहीं करना चाहता, मेरा फैसला अटल है, शिव को मुंबई आना होगा। ये आप ज्यादती कर रहे हैं, आप हमारे बेटे को हमसे दूर कर रहे हैं और दुनिया के उस दस्तूर को गलत साबित कर रहे हैं जिसके मुताबिक लड़कियां शादी के बाद ससुराल में रहती हैं और अपने नए घर को समझने, नए परिवार में रचने बसने की कोशिश करती हैं, जैसा कि गौरी ने भी किया। लेकिन इस बदले परिवेश को समझने में उसे थोड़ा वक्त और लग सकता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो कर लेगी। आप उसे और हमें थोड़ा समय तो दीजिए। बहुत समय दिया लेकिन अब नहीं। अगर मुझे इस बात का पता होता कि बदलाव में इतना समय लगता है तो। देखिए अब ऐसा भी नहीं है कि आपको और गौरी को यहाँ के परिवेश और रहन सहन के बारे में पहले से कुछ पता नहीं था। नर्मदा जी ने सब कुछ खुलकर बताया था गौरी को। इसके बावजूद गौरी ने अपनी मर्जी, अपनी खुशी से ये शादी की है। हमने या हमारे बेटे ने कोई जबरदस्ती नहीं की उसके साथ। हाँ गलती हो गई मेरी बेटी से, लेकिन अब मैं उसे ऐसी गलती करने नहीं दूंगा। नौकरी छोड़ के उसे घर में बैठने नहीं दूंगा मैं। नौकरी नौकरी, आप नौकरी को इतना अहमियत क्यों दे रहे हैं, जबकि बिना नौकरी किए वो हमारे घर में खुश है, सब कुछ मिला हुआ है उसे, बताइए किस बात की कमी है। और वैसे भी सावन साहब, यहां बनारस में बहुओं का नौकरी करने का चलन बहुत कम है। यहां की औरतों की जिंदगी में नौकरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो आप क्यों इसे मुंबई के पैमाने से तौल रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ और मुंबई के माहौल में बराबरी बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल सही कहा, मुंबई और बनारस की बराबरी हो ही नहीं सकती। यहाँ के लोग आज भी पुरानी बेकार परंपराओं में जकड़े हुए हैं। ये आज का अखबार देखिए, यहाँ की औरतों पर जातियां होती है उसकी खबरों से भरा हुआ है। दहेज के लिए बहुओं को मार दिया जाता है, बेटी हुई तो मायके भेज दिया जाता है, सब कुछ होता है यहाँ आपके यहाँ। लेकिन बस अब और नहीं। आज आप गौरी की नौकरी पर आपत्ति जता रहे हैं, कल अगर उसे बेटी हुई तो ताने मारेंगे। और पोते की चाहत पूरी ना हुई तो मायके भेज देंगे।
कल मैंने आपकी माताजी और पत्नी के विचार सुने, जो खुद औरत होके औरतों की तरक्की के खिलाफ है। आप हमारी माताजी को बीच में मत लाइए। वो इस परिवार की सुख शांति चाहती हैं, इसलिए मना करती हैं। वैसे भी हमारे परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है। नौकरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के लिए की जाती है। लेकिन ये बात आप नहीं समझेंगे। आप कहना क्या चाहते हैं? हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान नहीं है? देखिए, आप अपनी सीमा पार कर रहे हैं। मैं कहां से सीमा पार कर रहा हूं? बिल्कुल आप कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए आप। बाबूजी, अंकल जी, आप कृपा करके शांत हो जाइए। देखिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। शांति से बैठकर सोचेंगे तो कोई ना कोई समाधान निकल आएगा। अरे समाधान कैसे होगा राम, जब जन्मदाता ही अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहता हो तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल गलत। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा रहा हूँ। तो ठीक है, आपको जो करना है वो कीजिए, क्योंकि अब आपसे बात करने का तो कोई फायदा है नहीं। ठीक समझे आप, अब बात करने का समय निकल चुका है, अब फैसले की घड़ी है। ठीक है, कर लीजिए फैसला। चलो राम, चलगा। तुम्हारी खातिर झुक कर आए थे हम यहां, लेकिन अब इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। वेटलेस कस बोलत होते लोक, सगळी चूक त्यांची, खापर माझ्या डोक्यावर फोडून मोकळे झाले। शिव नुसता उभा तमाशा बघत, एक शब्दाने बोलला नाही, ना तुझी बाजू घेतली ना बापाला अडवलं। इथे थांबण्यात काय अर्थ नाहीये। एकदा आपण त्यांना संधी दिलेली, दॅट्स ऑल। यापुढे या घरात राहायचं नाही। आपण लगेच मुंबईला निघायचं, कळलं? जरा तिकीटच बघून येतो। इतनी बेइज्जती की उन्होंने तुम्हारे बाबूजी की, तुम चुपचाप खड़े सुनते रहे मुन्ना? हाँ, उनके सवालों का जवाब नहीं दिया तुमने? हाँ, उनका मुंह बंद नहीं किया? क्यों मुन्ना, क्यों? गौरी तुम्हें छोड़कर चली गई अपने बाबा के साथ, उसके बावजूद तुम्हारे बाबूजी, तुम्हारा भाई अपने परिवार का अपना आत्मसम्मान दांव पे लगाकर उनसे बात करने के लिए गए, उन्हें समझाने के लिए गए। लेकिन गौरी के बाबा ने क्या किया? हाँ, क्या किया उन्होंने? हाँ, इनका मान रखने के बजाय इनका अपमान किया। और तुम चुपचाप देखते रहे, कोई जवाब नहीं दिया तुमने? मुन्ना, तुम्हारा प्यार तुम्हारे बाबूजी के सम्मान से बड़ा हो गया है क्या? बोलो, जवाब दो। शांत हो जाइए नर्मदा जी, सांप गुजर चुका है, अब लकीर पर लाठी पीटने से कुछ नहीं होगा। हमने जो सुनना था सुन लिया, जो बर्दाश्त करना था कर लिया। आपने कर लिया, लेकिन ना हम बर्दाश्त करेंगे ना ही हम चुप रहेंगे। नहीं मुन्ना के बाबूजी, नहीं, हम आपका और अपने ससुराल का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सुन रहे हो मुन्ना, रुको। कहाँ जा रहे हो? हाँ, कहाँ जा रहे हो तुम? एक हद होती है मुन्ना बर्दाश्त करने की। हाँ, हद होती है। हमने तुम्हें अपनी कसम से आजाद कर दिया, तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं मुन्ना, और क्या करें? इतना झुक रहे हैं और क्या चाहते हो तुम? अम्मा, अम्मा, प्लीज शांत हो जाइए। तुम तो कुछ कहना ही मत राम, बड़े चौधरी बनकर गए थे अपने बाप के साथ, क्या किया? बात सुनकर आ गए?
अरे किसने कहा था यो जबरदस्ती चौधरी बनने के लिए? और मुन्ना तुम अभी के अभी गौरी का सामान बांधो और जाके उसके बाबा के हाथ सौंप कराओ। तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। माता जी, उन पर कोई असर नहीं होगा, वो जिद पकड़ के बैठे हैं। हाँ जानते हैं, वो हम पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हम उनसे डर जाएं और गौरी को नौकरी करने दें। लेकिन हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। ना जाओ, अभी के अभी उसका सामान बांधो और देकर आओ। हम जो कर रहे हैं ना, अब उसके अलावा हमारे पास कौन चारा नहीं है। पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। ऐसे भी जब बाप ही अपनी बेटी का घर उजाड़ना चाहे तो कोई क्या कर सकता है। सुना तुमने मुन्ना? सुना माताजी क्या कह रही है? काका, मी तुम्हाला हो मानली। तुम्हाला तर माझ्या बरोबर लग्नाचे बोलणं करायला यावं लागणार, मला काय माहित नाही। वेणू, अरे मी, अरे गौरी, अरे काय, तू काय, तू मुंबईला कधी आली? सरप्राईज विजिट काय? नाही, अरे बाबाच बनारसला आलेत। अरे वा, काका अचानक बनारसला निघून गेले? त्यांना तुझी आठवण आली असणार ना, म्हणून गेले असणार। हे पण नाही गौरी, मला आणि मितुला पण तुझ्या आणि शिवच्या खूप आठवण येत। मी काम करा ना, मी दोघं पण ना काकांबरोबर मुंबईला निघून ये। नाही, तुम्हाला लग्नाला यावं लागणारच आहे। मी तू तर तुला शॉपिंगला घेऊन जायचं प्लॅन करते। हे पण अजून आमचं काय फिक्स नाही, घरच्यांशी बोलणं व्हायचं आहे ना। आपण आमचं ठरलंय गौरी, तुम्ही जसं घरच्यांचं परमिशन घेऊन लग्न केलं ना, आम्हाला पण तसंच करायचं। हे कोणाचं मन दुखवायचं नाही। हे पण गौरी, तुला परत सांगतोय, तुमच्या दोघांशिवाय आम्ही लग्न करणार नाही, तुम्हाला इकडे यावं लागेल। हे गौरी, तुमच्या लग्नामध्ये आपण किती मजा केली होते ना। आपण ना आमच्या लग्नाला पण तशीच मजा करूया। एक सेकंड थांब गौरी, ते मला माझ्या बॉसचा फोन होतो, तुला फोन करतो नंतर। हा चल चल, बाय बाय बाय, तुला फोन करतो मी नंतर, बाय। हा नाही शिव, मी तुला सोडून कुठेच जाणार नाही। क्या करे शिव? अरे ठंडे दिमाग से काम लो। रुकोगे? रुकोगे? छोड़ो आप। क्या इस दिन के लिए सबका विरोध करके गौरी से शादी की थी तुमने? देखिए, अभी कोई सवाल मत पूछिए हमसे, हमारे पास किसी का जवाब नहीं है। तो छोड़िए ना, पड़ेगा जवाब। बिना जवाब दिए जाएंगे नहीं हम यहाँ से। तुम्हें इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हम। तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है शिव। बताओगे शिव? बताओगे? बताओगे? अत्ते कंटाप पे तुम्हारे। अरे भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अरे इस तरह हिम्मत मत हार शिव,
देख अगर तू इस तरह हिम्मत हार गया तो उन सब लोगों की जीत होगी जो शादी के वक्त गौरी और तेरे विरोध में थे। उन सब लोगों के झूठे अहम की जीत होगी शिव। तुम लोगों के भरोसे की हार होगी शिव। अपने प्यार को हारने मत दे भाई। तो क्या करें हम? एक तरफ आप लोग, एक तरफ हमारा प्यार है गौरी जी। आप क्या कहना चाहते हैं? हम यहाँ घर पे सबको छोड़ के, ये घर छोड़ के चले जाए? अरे हमने ऐसा कब कहा शिव? हम तो बस ये कह रहे हैं कि तू गौरी के साथ अपना घर बसा। फिर सब जितने भी लोग हैं ना, वो सब किनारे हो जाएंगे। जो इस वक्त अपने अहम के कारण तेरे और गौरी के बीच खड़े हैं, वो सब किनारे हो जाएंगे शिव। समझ रहा है तू? देख, और वैसे भी शिव, गौरी के बाबा ने एकदम सही कहा था। गौरी ने यहां आकर खुद को अम्मा के रंग में ढालकर अपनी परीक्षा दी और उसमें सफल भी हुई। हम क्या कहते हैं शिव, अब तुम्हारी बारी है। हाँ तुम्हारी बारी शिव, तुम भी एक बार गौरी के बाबा की जिद पूरी कर दो। अरे ऐसे कैसे जिद पूरी कर दें हम, बताइए ना आप। मुंबई जाकर गौरी के साथ गृहस्थी बसा के देखना शिव, एक बार तूने गौरी का भरोसा जीत लिया ना, और फिर अगर तू यहां आने के लिए कहेगा तो तुझे मना नहीं कर पाएगी। वो तेरी खुशी के लिए, हम सबके लिए यहां जरूर आएगी। और उस वक्त देखना, गौरी के बाबा ने भी अगर उसे रोकना चाहा ना तो रोक नहीं पाएंगे। पर अगर गौरी जी ने हमारा साथ नहीं दिया तो? क्यों नहीं देगी साथ? देख शिव, वो थोड़ा सा नाराज है, क्या है ना, नौकरी के मुद्दे पर घर में जो भी तूफान उठा उस वजह से वो थोड़ी सी टूट गई। तुमने उसे अकेला छोड़ दिया इसलिए वो थोड़ी सी कमजोर पड़ गई है बस, और इसलिए वो बाबा के खिलाफ नहीं जा पा रही है शिव। देख एक बार अगर तूने उस पर भरोसा दिखाया ना तो कभी तुझे छोड़कर नहीं जाएगी भाई। अब देख क्या रहा है, बैग भर और जाए यहां से। अरे क्या देख रहे हो, जाओ यहां से, यहां की चिंता मत करना। नहीं नहीं भैया, ये भी सही नहीं लग रहा हमें। क्या सही नहीं लग रहा है? जो दिल को सही लगे वो सब सही होता है, और जो होगा देखा जाएगा। तुम चिंता मत करो, तुम जाओ बस यहां से। हमें करना चाहिए? हाँ तुम ये करो, गौरी के बाबा उसे मुंबई लेकर जाएं, उससे पहले खुद तुम उसे मुंबई लेकर चले जाओ। अगर ये मौका तुम चूक गए ना, फिर गौरी का भरोसा कभी जीत नहीं पाओगे। गौरी के कपड़े कहाँ हैं? अरे तो लेकर आओ ना। हाँ लेकर आओ गौरी के कपड़े, यहाँ की चिंता मत करना। तो लगा ये हम सब संभाल लेंगे, यहाँ की चिंता किए बिना तुम जाओ यहाँ से। यहाँ लोगों को पता लगेगा तो क्या होगा, हमें डांटेंगे, हंगामा करेंगे, और क्या, हमें तो वैसे भी डांट पड़ती रहती है। जाओ। हाँ कुंवर बोलो, क्या खबर है? अरे शिव वो होटल से फोन आया था। किस लिए? अरे वो गौरी होटल छोड़ के चली गई यार। तो रोका क्यों नहीं तुमने? अरे रोका ना, पर पता नहीं उसको किस बात की टेंशन थी, उसकी एक भी बात नहीं सुनी और सीधा चली गई। अरे मैं घबराहट हो रही, क्योंकि गंगा वंगा में छलांग ना लगा दे। अरे शुभ शुभ बोलो यार, तुम कुछ भी बोलते हो, हम अभी निकल रहे हैं, ठीक है? क्या हुआ? अरे मुन्ना तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम गौरी जी को लेने जा रहे हैं। अब वो कहाँ चली गई? अरे हमारी बात का जवाब दो। अम्मा प्लीज, वो होटल छोड़ के कहीं चली गई, अगर अभी नहीं ढूंढना ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे वो स्टेशन गई होगी। अरे उसका सामान, ये लड़का भी ना जब देखो तब अपनी मनमानी करता रहता है। बताओ गौरी का सामान नहीं लेकर गया?
ये मुन्ना भी ना सामान सूटकेस गौरी तुम घर लौटने के लिए चाहे जितनी नौटंकी कर लो लेकिन तुम्हारा सामान तो तुम्हारे पति ने ही पैक कर दिया और ये सामान हम तुम तक जरूर पहुंचा देंगे।